हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द प्रयागराज इंस्टीट्यूट एंड आई एम मोनिका राय एंड टुडेज आवर टॉपिक इज धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंदौर डिवीजन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो विद द हिस्ट्री ऑफ धार डिस्ट्रिक्ट. सो धार डिस्ट्रिक्ट इज एस्टेब्लिश्ड बाय राजा भोज इन एंड अदर नेम्स ऑफ धार आर पिरंधार इन द एंशियंट टाइम्स, धारानगरी बिकॉज एंड भोजनगरी बिकॉज फाउंडेड बाय राजा भोज. देन In ancient time, it is the center for Sanskrit studies. For that purpose, we have Bhojshala established by Raja Bhoj. And ये जो Bhojshala है, इसमें एक सरस्वती जी की मूर्ति थी जो कि ब्रिटिशर्स अपने साथ लंदन ले गए. इसीलिए at present time इसमें एक फोटो फ्रेम की पूजा की जाती है. और इसके बाद धार जो है मुगल्स के द्वारा 14th सेंचुरी में कंकर किया गया. उसके बाद ये मराठास के अंडर 1730 में आया. देन इन 1742 इट बिकेम द कैपिटल ऑफ धार प्रिंसली इस्टेट अंडर आनंद राव पनवार. उसके बाद 1857 में भी इसके जो राजा बख्तावर सिंह थे, अमझेरा नाम की एक प्लेस है वहाँ पर इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया, पर बाद में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया इंदौर में. उसके बाद 1857 की जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें रिवॉल्यूशनरीज ने जो फोर्ट था धार का उसको कैप्चर कर लिया था. और ये जो धार का फोर्ट है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था 14th सेंचुरी में. उसके बाद ये जो फोर्ट है हमारा उसमें है एक खरबूजा पैलेस जो कि बाजीराव सेकंड की बर्थ प्लेस है. उसके बाद इसकी डेमोग्राफी के बारे में देखें तो एरिया है हमारा 8153 किलोमीटर स्क्वायर. पॉपुलेशन है 21,85,793. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है 270 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर. सेक्स रेशियो है 961. ये मध्य प्रदेश में 13th नंबर पर है. उसके बाद लिटरेसी रेट इसकी थोड़ी सी कम है, 60.57% है. और ये 46th पोजीशन पर है एमपी में. इसकी 9 तहसील्स हैं, धार, बढ़नावर, कुक्षी, दही, गंडवानी, धर्मपुरी, सरदारपुर, मनावर एंड पीथमपुर. 2018 से पहले यहाँ पर 8 तहसील्स थी, लेकिन 2018 में पीथमपुर एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, तहसील बनाया गया धार से सेपरेट करके. उसके बाद इसमें 13 ब्लॉक्स हैं. सो नाउ यहाँ पर अगर हम मिनरल्स देखें तो रॉक फॉस्फेट और डॉलमाइट पाए जाते हैं. और यहाँ सिर्फ एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसका नाम है धार. और विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखें तो 7 हैं. उनका नाम है सरदारपुर, गंडवानी, मनावर, धार, कुक्षी, धर्मपुरी एंड बढ़नावर. उसके बाद जो हमारा धार डिस्ट्रिक्ट है वो शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन वाइज एमपी में फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है. और यहाँ की मेन ट्राइब्स देखी जाएँ तो भील्स और भिलालाज हैं. और यहाँ रिवर्स देखें तो बाघ रिवर, माही रिवर, मान रिवर, नर्मदा रिवर, ये सारी रिवर्स पाई जाती हैं. उसके बाद हम यहाँ की फेमस प्लेसेस में देखें तो सबसे ज़्यादा फेमस है मांडू, जिसको और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ फोर्ट, मांडवगढ़, सादियाबाद, करीमबाग. उसके बाद मांडू में आता है टॉम्ब ऑफ होशंग शाह जो कि फर्स्ट मॉन्यूमेंट है इंडिया में जो कि वाइट मार्बल से बना है. और ये हमारे जो मालवा के फर्स्ट इस्लामिक रूलर थे वो थे दिलावर खान. उसके बाद यहाँ पर है जहाज महल जो कि दो तालाबों के बीच में है, मुंग तालाब और कपूर तालाब. उसके बाद है रानी रूपमती पवेलियन, ये इनके किंग राजा बाज बहादुर ने बनवाया था इनकी याद में. उसके बाद डायनासोर फोसिल नेशनल पार्क जो कि इस्टेब्लिश तो हुआ था हमारा 2010 में, लेकिन इसे नेशनल पार्क 2011 में बनाया गया था. यहाँ ये बाघ रिवर क्रॉस होती है और यहाँ पर डायनासोर के एग्स पाए गए थे. उसके बाद ये बाघ केव्स जो हैं हमारी, यहाँ से बाघ रिवर ओरिजिनेट होती है. और ये स्टार्टिंग में जो है इनका नंबर था 9, लेकिन अभी एट प्रेजेंट में सिर्फ 5 केव्स बची हैं. उसके बाद यहाँ पर फ्रेस्को मुगल पेंटिंग्स पाई जाती हैं. ये जो बाघ केव्स हैं इनके बारे में हमें 1818 में पता चला था बाय डेजर फील्ड.
उसके बाद इन्हें ये जो बाघ केव्स हैं इन्हें नेशनल मॉन्यूमेंट 1951 में बनाया गया। उसके बाद यहाँ पर एक और केव्स भी हैं, सतकोटरी केव्स। उसके देन सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे हम सेलेना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं, यहाँ पर जो है खरमोर वर्ड उसको कंजर्व किया गया है। उसके बाद हम पीथमपुर के बारे में बात करें तो पीथमपुर हमारे इंडिया का डेट्रॉइट बोला जाता है और यहाँ पर फर्स्ट ऑटो टेस्टिंग ट्रैक ऑफ इंडिया बनने जा रहा है। देन मान प्रोजेक्ट, ये मान रिवर पर है, जीराबाद नाम की प्लेस पर है और जीराबाद में ही जीराबाद सीमेंट फैक्ट्री भी है। उसके बाद एमपी का फर्स्ट ड्राई पोर्ट पीथमपुर में है, 1994 में ये बना था। देन जीआई टैग में बाघ प्रिंट जो है यहाँ का, उसे जीआई टैग मिला है। ये हमारे एमपी का थर्ड है और इंडिया का 95th है। बाघ प्रिंट में ही जो मोहम्मद विलाल खत्री हैं, इन्हें यूनेस्को से अवार्ड मिला था 2016 में। यहाँ की कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में बात करें तो ये जो सबसे पहला नाम आता है जमुना देवी का। जमुना देवी हमारे मध्य प्रदेश की फर्स्ट वुमेन अपोजिशन लीडर थी। इनका जन्म हुआ था सरदारपुर में। ये 2003 में अपोजिशन लीडर बनी। उसके बाद 1998 में ये हमारे मध्य प्रदेश की डिप्टी सीएम भी बनी। उसके बाद इन्हें 2001 में भारत ज्योति सम्मान से सम्मानित किया गया। 2003 में संसदीय जीवन सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके बाद ये जब 2010 में इनकी डेथ हुई तो मध्य प्रदेश में 3 दिन का शासकीय शोक मनाया गया। उसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे और रंजना बघेल, ये दोनों बीजेपी के लीडर्स हैं। उसके बाद ये सुधीर वर्मा, ये एक बैडमिंटन प्लेयर हैं और बैडमिंटन के कोच भी हैं। इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है बैडमिंटन कोच में। उसके बाद इनके 2 सन्स हैं, समीर वर्मा एंड सौरभ वर्मा। ये दोनों इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। जो सौरभ वर्मा हैं वो इंडिया के ऐसे पहले पर्सन हैं जिन्हें रशियन ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप में 2018 में अवार्ड मिला था। दिस इज़ ऑल अबाउट धार डिस्ट्रिक्ट, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। थैंक यू।